नमस्कार दोस्तों, तो मी 11X Pro 5G स्मार्टफोन है। इस पर अभी काफ़ी अच्छे लेवल का डिस्काउंट है और डिस्काउंट को ऐड करने के बाद आप इस फोन को काफ़ी सस्ते में बाय कर सकते हो। किस तरीके का डिस्काउंट है और किस तरीके से ऑफर को अप्लीकेबल करना है, आज किस प्रिंसिपल पर हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे एनर्जी तभी आपको समझ में आने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों, मी 11X Pro 5G स्मार्टफोन है, इस पर अभी काफ़ी अच्छे लेवल का डिस्काउंट है और डिस्काउंट वगैरह करने के बाद ये फोन काफी सस्ते का मिल रहा है। और यहाँ पे जो ऑफर है इसके अंदर, तो सबसे पहले इस फोन का प्राइसिंग ड्रॉप किया गया है, उसके बाद कुछ बैंक ऑफर है और इन दोनों चीजों को ऐड करने के बाद आप इस फोन को काफी कम प्राइसिंग में बाय कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एक्सचेंज ऑफर को ही मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके का डिस्काउंट है। तो देखिये, सबसे पहले आपको जो है अमेजन के एप्लीकेशन पे आना है और सर्च बार में लिख के सर्च करना है मी 11X Pro। ये लिखने के बाद आ जाएगा, आप यहाँ पर देख पाओगे एक यहाँ पर रिन्यूड करके है और एक यहाँ पर नॉर्मल सा फोन है, आप यहाँ पर देख पाओगे। और इसका प्राइसिंग मेंशन किया हुआ है 30,000, यानी 29,999। और इस प्राइसिंग में आपको मिल रहा है मी 11X Pro 5G स्मार्टफोन 8128 का वेरिएंट, आप यहाँ पर देख पाओगे। प्राइसिंग कुछ इस तरीके से है। अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट भी इस फोन पर काफी अच्छे लेवल का है। और दोस्तों, अगर आप अमेजन का एप्लीकेशन खोलेगा तो एक्चुअली में आपको यहाँ पर देखेगा, अभी आप यहाँ पर देख पाओगे यहाँ पर जो ऑफिशियल बैनर है इस पर लिखा हुआ है लोएस्ट एवर प्राइस और मेंशन किया हुआ कि ये फोन आपको मिल सकता है 29,000 में। अब चलिए हम चेक करते हैं किस तरीके का डिस्काउंट है। यहाँ पे सबसे पहले डिस्काउंट है जो कि है SBI बैंक के साथ, और SBI बैंक के साथ आपको मिल सकता है 1750 रुपए का डिस्काउंट। उसके बाद अगर आप इस फोन को लेते हो EMI पर तो अप्रोक्स में आपको 2000 का डिस्काउंट मिल सकता है, जो कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से मेंशन किया हुआ है। और आप इस फोन को बजाज के फाइनेंस पे भी ले सकते हो। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर बैंक ऑफर जाना, यहाँ पर जो बैंक ऑफर है वो है SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड के साथ और इसके साथ है 1750 रुपए का डिस्काउंट। इसको ऐड करने के बाद आप 28,000 समथिंग में बाय कर सकते हो, जो कि काफी अच्छा डील हो जाता है। और दोस्तों, इस फोन पर अभी एक्सचेंज ऑफर भी है और एक्सचेंज ऑफर के अंतर्गत आपको मिल सकता है 5,000 का एक्स्ट्रा बाउंस, जो कि काफी अच्छा खासा हो सकता है। इस पर अभी वाकई में काफी अच्छे लेवल का डिस्काउंट है, बिकॉज इस फोन का प्राइसिंग ड्रॉप किया गया है, उसके बाद बैंक ऑफर वगैरह है। अगर हम बात करें कि इस फोन को बाय करना चाहिए भी नहीं, ये फोन काफी अच्छा है, आप बाय कर सकते हो। लेकिन एक आध फोन मी 11X Pro 5G स्मार्टफोन के अंदर है जो कि डेड हो चुका है, मतलब मदरबोर्ड प्रॉब्लम इस फोन में भी देने को मिला है। कुछ ही ऐसे केस हैं। वैसे अब जो है Xiaomi या फिर Redmi या फिर Poco के फोन में ये सब चीज जनरली आपको देखने को मिलता ही है, तो प्रॉब्लम कभी भी आ सकता है। हालांकि इस फोन में जो डेड का प्रॉब्लम है वो काफी कम ही आया है, इसलिए आप इस फोन को बाय कर सकते हो। इस पर डिस्काउंट अभी काफी अच्छे लेवल का है और एक्सचेंज वगैरह करने के बाद ये फोन और भी सस्ते का मिल सकता है। और दोस्तों, ये फोन अमेज़न के एप्लीकेशन पर ऑफिशियल तरीके से अवेलेबल है। सबसे पहले अगर आप सर्च बार में सर्च कीजिएगा तो भी आ जाएगा, नहीं तो ऑफिशियल यहाँ पर लेआउट भी दिया गया है जहाँ पर आप आके चेक कर सकते हो। तो ये फोन इस प्राइसिंग में काफी अच्छा हो सकता है, अगर आपको बाय करना है तो बाय कर सकते हो। किस तरीके से ऑफर है और किस तरीके से डिस्काउंट लेना है, इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो बस आज की वीडियो में यह बताना था, उम्मीद करता हूँ बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। इसके बावजूद भी आपको प्रॉब्लम है तो हमसे कमेंट करके धन्यवाद।